आज हम इस तरीके की हमने कॉटन का एक फैब्रिक लिया है और इससे हम नवरात्रि स्पेशल एक गाउन और लॉन्ग कुर्ती स्टिच करने वाले हैं। इसे आप गाउन की तरह भी पहन सकते हैं और इसे आप एज अ कुर्ती की तरह भी इसे वेयर कर सकते हैं। ये किसी भी पार्टी फंक्शंस और कॉलेज वेयर के लिए भी बहुत अच्छा एक आउटफिट हो सकता है। सो लेट्स मेक अ आउटफिट। सो इस तरीके की जो हमें ये जो कुर्ती बनानी है या ये जो गाउन बनाना है वो हमें अम्ब्रेला कट में बनाना है। तो अम्ब्रेला कट गाउन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3.5 मीटर कपड़ा लिया है। आप इसकी जगह 3.5 और अगर आप इससे और बड़ा घेर चाहते हो तो 4 मीटर तक का कपड़ा भी ले सकते हो। तो अब हम देखिए इसकी सबसे पहले कटिंग देखेंगे। तो इसके अंदर हमें अस्तर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी था, यानी कि थोड़ा सा इसमें आपको ट्रांसपेरेंटी मिलेगा तो आप इसमें अस्तर लगाएंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें कपड़े को खोलकर हमें इस अम्ब्रेला कट कुर्ती के लिए सबसे पहले ऊपर का पार्ट है उसे कट करना है, यानी कि हमारा जो चोली वाला पार्ट होगा उसे हम पहले कट करके लेंगे, फिर हम यहाँ पर नीचे अम्ब्रेला का फ्लेयर कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके का ये जो हमारा कपड़ा है ये व्हाइट होने के कारण इसमें आपको बांधनी की प्रिंट्स दिख नहीं रही है, लेकिन इसमें बांधनी प्रिंट दी हुई है जो कि ये बनने के बाद ड्रेस बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले इस पूरे कपड़े को खोलकर और चोली वाले पार्ट के लिए 4 फोल्ड करेंगे। तो देखिए इसमें कट करने से पहले हम जो हमने इसके लिए अस्तर वाला फैब्रिक लिया है इस पर हम चोली का पार्ट कट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को साइड में रख देना है और अब हम यहाँ पर चोली वाले पार्ट की कटिंग इस पर करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये अस्तर लिया है और इस पर देखिए हम यहाँ पर पहले ये हमने 1st फोल्ड किया है, ये हमारा 1st फोल्ड हुआ यानी कि ये 2 फोल्ड हो चुका है। और अब हमें इसे इस तरीके से मोड़ते हुए 4 फोल्ड करना है। आप देखिए चाहे तो उस साइड से भी 4 फोल्ड कर सकते हैं, बट क्या होगा जब हम यहाँ पर चोली का पार्ट कट करेंगे तो वो कपड़ा वेस्ट ऑफ रह जाता है, उसमें स्लीव्स वगैरह कट नहीं हो पाती है और वो छोटा पड़ जाता है। तो इसके लिए हम ये स्लीव्स के लिए इस तरीके से कपड़ा रखेंगे और हमें यहाँ पर इस चोली वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा ये 4 फोल्ड हो गया, 1, 2, 3 एंड 4। ये देखिए हमने 4 फोल्ड में कपड़ा यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लिया है। सबसे पहले तो आपको ये जो हमारा अस्तर है वो कॉटन का होगा तो उसे हमें इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है, या आप प्रेस भी कर सकते हैं, बट ऑलरेडी मुझे यहाँ प्रेस की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने प्रेस नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ मार्जिन वाली एक लाइन बनाएंगे। ये लाइन वो होगी जो हमारे चोली के पार्ट में अटैच होगी। अब हमें इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्क लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस मार्जिन को लगाने के बाद हमें जहाँ पर जहाँ से ज्वाइन करना है वहां तक का हमने मेजरमेंट लिया है तो वो हमें 13.5 इंच पर हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से इस तरीके से 13.5 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। अब इस मार्क के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहला जो मार्क लेना है वो हमारे शोल्डर का माप लेना है। तो शोल्डर का माप लेने के लिए देखिए हम अगर पीछे का गला अगर ओपन में रखना चाहते हैं आप और आगे का भी डीप रखना चाहते हैं नेक, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर 5 से 5.5 इंच ले सकते हो, बट मुझे जो है वो आगे से और पीछे से बोट नेक बनाना है। सो बोट नेक के लिए हम जितना हमारा शोल्डर का मेजरमेंट होगा उसका हाफ लेंगे। तो हमारा जो शोल्डर है वो 13 इंच का है यानी कि 13 इंच का, तो उसका आधा हम 6.5 इंच यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। तो देखिए 6.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पर बना देना है। अब उसी के साथ हम जो यहाँ पर जो लाइन बनाएंगे वो हमें 1/2 इंच ज्यादा बनानी है, यानी कि हमने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है तो अब हम यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरीके से एक लाइन बना देंगे। अब इस लाइन के यहाँ पर हमें चेस्ट वाला पार्ट लेना है। हमें जो हमारा चेस्ट पार्ट रेडी चाहिए वो 30 इंच है यानी कि 30 इंच का, तो हम उसका चौथा भाग लेंगे और यहाँ पर हम 7.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और 2 इंच हम इसमें मार्जिन छोड़ने वाले, तो 2 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन वाला मार्क लगाया। अब हम इसे इस तरीके से आगे कर लेंगे लाइन को। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ कमर का पार्ट मेजर करेंगे। कमर का पार्ट मेजर करते वक्त देखिए आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे हमें कमर का चौथा भाग लेना है, तो चौथा भाग लेते वक्त आपने जो भी कमर का मेजरमेंट लिया हो, मैंने यहाँ पर 26 इंच का मुझे यहाँ पर रेडी बनाना है तो हम उसका चौथा भाग करेंगे। तो मुझे यहाँ पर साढ़े
छह इंच पर इस तरीके से एक मार्क लगाना है और यहाँ पर हम फिर से दो इंच का एक मार्जिन ले लेंगे। इस तरीके से मार्जिन लेने के बाद हमें ये लास्ट वाली लाइन को यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारी फाइनल कटिंग लाइन होगी और ये जो हमारी है वो फाइनल फिटिंग लाइन होगी। ये हमारा मार्जिन रहेगा सूट में। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें एक इंच पर इस तरीके से मार्क लगा लेना है, देखिए इस तरीके से तिरछे में। और अब हम यहाँ पर राउंड का मार्क दे देंगे आर्म होल के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से हमने आर्म होल का मार्क ले लिया है। अब हमने इसमें हम फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट साथ में कट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर फ्रंट की डीपनेस नहीं रखी है, वो हम अलग अलग करने के बाद रखेंगे। और यहाँ पर अब हम अपने शोल्डर का जो हमारा नेक की जो ब्रॉडनेस होगी उसका हम माप लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 3 इंच ले सकते हैं, 3.5 इंच तक का भी यहाँ पर बोट नेक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाऊंगी। इस तरीके से 3.5 इंच पर मार्क लगाने के बाद आपको जितनी डीपनेस चाहिए आप उसका मेजरमेंट ले सकते हो। तो जैसे देखिए यहाँ पर 5 या 5.5 इंच, क्योंकि बोट नेक इससे ज्यादा ब्रॉड डीप में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरीके से 3.5 इंच पर मार्क करके इसका एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इस वाले पार्ट को इस तरीके से कट कर लिया। तो जैसे ही आप इस तरीके से इसमें कट करोगे तो देखिए आपके पास दो पार्ट्स निकल के आएंगे, एक ये और एक ये। अभी आपको इन्हें कुछ मतलब हिलाना नहीं है। सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पे मार्किंग्स देखेंगे, ये जो जो मार्किंग्स है वहां पर आपको इस तरीके से एक एक मार्क लगा लेना है, जिससे कि आगे और पीछे की फिटिंग की लाइन आपको प्रॉपर मिल सके। इसके बाद हम जो मार्क करेंगे वो हम यहाँ पर गले के इस वाली लाइन के यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। अब इतना ये जो हमने मार्किंग की है, अब अगर आप आगे और पीछे दोनों तरफ बोट नेक रखना चाहते हो और आप सेम डीपनेस में रखना चाहते हो तो आप दोनों पार्ट्स को साथ में कट कर सकते हो। अगर आपको दोनों में अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से रखना है तो आपको दोनों को अलग अलग करना है और यहाँ पर भी आपको सेम बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पर आपको कटिंग करनी है। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लिया। तो अब हम इस वाले भाग को अलग कर देते हैं और इस वाले भाग को अलग कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। तो आप फ्रंट पर अगर इस तरीके से आपको याद ना रहे तो इस तरीके से एफ, और बैक में आप इस तरीके से यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो देखिए अब हम पहले यहाँ पर आर्म होल में फ्रंट की जो शेप होती है वो बनाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर शेप बनाना है। तो ये हमने फ्रंट की शेप कर दी है। अब हम यहाँ पर फ्रंट का नेक ड्रॉ करेंगे और फिर इसे भी हम कट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये जो नेक बनाया है, अब हम इसे आप जितनी चाहे यहाँ पर मतलब डीप रख सकते हैं। आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं, ये इस तरीके से भी आपका बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने कट किया है और आपका जो भी साइज हो उस हिसाब से हम यहाँ पर देखिए बैक का भी कट करेंगे। तो बैक के लिए देखिए हमने ये जो 1/2 इंच है वो छोड़ देना है ऊपर शोल्डर जॉइनिंग वाला जो मार्जिन है उसे। और अब हम यहाँ से अपना मार्किंग का निशान लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर 4.5 यानी कि 4.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं और इस तरीके से 3.5 इंच पर कर यहाँ पर इसे और इसे मिलाने के बाद यहाँ से बोट नेक का शेप दे देंगे। अब हम इसे भी इसी शेप के हिसाब से कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। आप इसे इस तरीके से खोल के भी देख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का नेक है, इसमें हम और क्रिएटिव करके इसे डिजाइनर बनाएंगे, बट फ्रंट में हमें इसी तरीके का चाहिए था। तो देखिए बैक में हमने इस तरीके का नेक ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम इसे इसका जो नीचे का घेर वाला पार्ट है उसे हम कट करेंगे। तो उसके लिए हमें पूरा कपड़ा जो दूसरा वाला जो हमारा व्हाइट में बचा है उस पूरे कपड़े को हमें यहाँ पर बिछा कर देखना है कि किस तरीके से हम इसमें कट करेंगे। देखिए ये हमने नीचे के घेर के लिए कपड़ा लिया है, ये भी आप 2.5 से 3 मीटर का ले सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले तो हमें इस कपड़े को
इस तरीके से ओपन कर लेना है। ये हमारा जो है वो दो पार्ट है, देखिए इसमें दो पार्ट कपड़ा है हमारे पास। तो देखिए हमें सबसे पहले इसे इस तरीके से रखने के बाद, तो यहाँ पर देखिए ये दो तरफ से कपड़ा बिछाने के बाद हम यहाँ पर जो बंद वाला भाग है उसका एक कॉर्नर उठाएंगे और हमें वहां पर उस तरीके से रखकर यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा शेप इसका बनाना है, इसका तिरछा कपड़ा हमें इसे बिछाना है। देखिए इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर तिरछा बिछाया है और ये देखिए एक दो और ये डबल है, यानी कि चार पार्ट में हमें ये कपड़ा बिछा लेना है। और अब हमने जो चोली वाले पार्ट में हमारा जो कमर वाली लेंथ का जो पार्ट था, हमें उसके हिसाब से हम इसका घेर कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें जो कट करना है, ये देखिए हमने कोई भी आप एक फ्रंट या बैक कोई भी चोली का पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमने नीचे से मेजरमेंट प्रॉपर बराबर ही लिया है। तो आपको ये इस तरीके से रखना है और इस तरीके से रखना है कि इस वाले मार्किंग के बाद आपके पास हाफ से वन इंच तक का इसमें मार्जिन रहे, क्योंकि आपको इसमें साइड में स्टिच करना पड़ेगा। तो इस देखिए हम इस तरीके से एक मार्क लगाकर पहले इस तरीके से ले लेंगे। इस तरीके से मार्क लगाने के बाद सबसे पहले आपको ये जो हमारा कोना होगा, यानी कि सबसे ऊपर वाला तिरछा कोना है, वहां से बीच की मार्क करनी है। तो देखिए ये 9.5 इंच पर आ रही है, तो वैसे ही हमें इस तरफ से भी यहाँ पर ये इधर ही कोने में ही रखना है हमें। यहाँ से हमें कैप की तरह घुमाते हुए, मतलब जो हमारा जोकर की टोपी कैसे होती है उस कैप की तरह, आपको एक मेन पॉइंट जो है आपका वो तिरछे कोने वाला लेना है। और हमें यहाँ पर देखिए 9.5 इंच पर टिक किया, इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 9.5 इंच आ रहे हैं, और यहाँ पर करने पर यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पर 9.5 इंच मार्किंग होगी। तो अब हमें जो मार्किंग मिली वो कुछ इस तरीके से देखिए राउंड शेप में मिलेगी। तो बस हमें इस राउंड शेप को पकड़ते हुए यहाँ पर निकलना है। तो और ये हमारी जो है 1/2 इंच की ये जो है वो मार्जिन वाली लाइन है। अब हमें इसमें किस तरीके से देखिए मेजरमेंट करना है। तो हमने ये जो चोली बनाई थी वो 13.5 इंच की बनाई है, और हमें जो टोटल अपने गाउन की जो लेंथ चाहिए वो यहाँ पर 52 इंचेस यानी कि 52 इंच की रेडी चाहिए। तो 52 में से आपको 13.5 या 14 इंच आपको कम कर लेने हैं। अब देखिए हमें ये जो हमने जो माइनस हमारा जो है वो हम अपने हिसाब से मार्जिन के हिसाब से या अपने आप मेजरमेंट के हिसाब से ही करेंगे। यहाँ पर हमें 52 इंच की रेडी जो हमारी गाउन है या कुर्ता है राउंड में वो हमें चाहिए। तो हमने ऊपर 13.5 इंच की चोली ली थी, हम यहाँ पर देखिए 13 इंच या 13.5 इंच आप इसमें कम कर सकते हैं। तो मुझे 39 इंचेस मिल रहा है, इसलिए हमें जो स्कर्ट का यानी कि जो नीचे के पार्ट का घेरा वाले का जो हाइट रखना है वो 39 इंचेस का रखना है। 39 में हम नीचे के फोल्डिंग के लिए जो प्लस करेंगे वो हम मेन फैब्रिक में करेंगे। यहाँ पर जो है हमारा अस्तर जो होगा वो हमारा मेन फैब्रिक से भी 3-4 इंच आप यहाँ पर कम रख सकते हैं या उससे भी कम रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो देखिए अब पहले हम यहाँ पर इस तरीके से वहां पर मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कुर्ता है वो नीचे से जो मतलब हम जो गाउन बना रहे हैं वो नीचे से ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे अस्तर और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे हम सेम मेजरमेंट में रखेंगे। अगर आपका जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा ठीक है यानी कि जाड़ा जिसमें से ट्रांसपेरेंटी में दिखेगा नहीं, तो आप अस्तर का साइज छोटा भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो माइनस प्लस जो हमने किया यानी कि चोली का भाग हटाने के बाद जो हमारे पास बचा वो 39 इंचेस था, और इसमें हम 2 इंच नीचे की तरफ फोल्ड के लिए बढ़ा देंगे मेन फैब्रिक के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए हम 41 पर मार्क करेंगे, पहला मार्किंग हमारा 41 पर इस तरीके से होगा। अब जिस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर ये राउंड शेप लिया था उसी तरीके से हमें जो मार्जिन है वो राउंड के इस हिसाब से ही रखते हुए लेनी है। तो देखिए हमने पहले यहाँ से 41 पे मार्जिन मार्क किया, फिर हमें थोड़ा सा 2 से 2.5 इंच आगे की तरफ आना है, और फिर से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन रखते हुए 41 पर मार्क करना है। तो देखिए हमने ये 41 पर मार्क किया, जो हमारा पहला मार्किंग था वो यहाँ था, सेकेंड वाला यहाँ है। इसी तरीके से हम देखिए आगे की तरफ पट्टी को हमें ऊपर के हिसाब से घुमाते जाना है और नीचे की तरफ राउंड की तरफ शेप देते जाना। देखिए ऊपर की तरफ हमने पहला सेकेंड मार्क यहाँ लिया, हम थर्ड मार्जिन यहाँ मेजरमेंट यहाँ से लेंगे और इस तरीके से तिरछा रखने पर इस तरीके से देखिए 41 पर मार्क कर देंगे। अब हम एक और देखिए लास्ट एक और मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाले पार्ट पर हमें मार्किंग के ऊपर रखना है और इस तरीके से यहाँ पर भी 41 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे।
देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके के मार्क आए हैं और ऊपर जो हमने राउंड में मार्क किया था। तो देखिए अब हम यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वन मार्क से सेकंड वाले मार्क की तरफ इसी तरीके से राउंड शेप में ही ले जाना है। अब सेकंड मार्क से थर्ड की तरफ भी इसी तरीके से हमें मार्क करना है और फोर्थ वाले से भी हम इसी तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी लाइन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हमें कुछ इस तरीके से राउंड शेप की एक मार्किंग मिली है। यहाँ पर देखिए ये राउंड शेप हमें पूरा मिल गया और ऊपर की तरफ भी राउंड है। अब हमें सबसे पहले इस वाले मार्किंग पर कट कर लेना है और ऊपर की तरफ भी हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास तो दो पार्ट है और यहाँ पर भी दो पार्ट है। देखिए यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, मोस्टली सारे ही अम्ब्रेला सूट गाउन में हमें जॉइंट थोड़ा बहुत लगाना ही पड़ता है, आप चाहे भी कोई भी साइज का हो। तो देखिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और हमें यहाँ पर जॉइंट के लिए मार्किंग करनी। तो देखिए सबसे पहले हम सिंगल कपड़ा रखेंगे और आधा इंच ऊपर सिलाई की तरफ से स्ट्रेट रख देंगे और आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से हमें जो नीचे की कटिंग वाला पार्ट है वो दिख रहा है। तो हम यहाँ पर देखिए मार्किंग भी कर सकते हैं और सीधा भी आप कट कर सकते हो डायरेक्टली। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको पूरा मार्किंग के जैसे मिल जाता है, तो हम इसे डायरेक्टली एक बार कट कर लेंगे। देखिए हमने एक तो कट कर लिया था, अभी हमें एक और की जरूरत है। तो देखिए हम यहाँ पर इसी तरीके से बिल्कुल जैसे पहले वाला रखा था उसी तरीके से हमने यहाँ पर कपड़े को रखना है और सेकंड एक और जॉइंट को हमें कट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने रखा, फिर से हमें देखिए यहाँ पर एक मार्किंग दिख रही है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे इस तरीके से देखिए ये दो जॉइंट के कपड़े, दो ये हैं और यहाँ पर दो, यानी कि पूरा हमारा लहंगे के घेर के साथ रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक पर कट करने से पहले ही अगर हम इसमें जॉइंट अटैच कर ले तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मेन फैब्रिक पर इस कपड़े को बिछा कर हमें कटिंग करने में। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इसे देखते हैं किस तरीके से अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए इसके जो जॉइंट्स थे उसे हमें जॉइन किया है। तो देखिए इस तरीके से आपको जॉइंट्स को जॉइन कर लेना है। सेकंड वाले को भी देखिए हमने जॉइन कर लिया है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट की तरफ दिखेगा और यहाँ पर देख सकते हैं आप इतनी घेर वाला हमारा ये जो लहंगा जो नीचे का घेरा है वो देखिए कुछ इस तरीके से इतना घेर वाला बना है। देखिए कुछ इस तरीके से बन चुका है। देखिए और इसी तरीके से हमने चोली पार्ट्स को भी कट कर लिया है, तो अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो अब इस सूट के लिए या इस गाउन के लिए हम जो है वो यहाँ तक के लॉन्ग स्लीव्स को हम यहाँ पर सिलने वाले हैं। तो आप देख लीजिए लॉन्ग स्लीव्स कैसे कटिंग और स्टिचिंग की जाती है। लॉन्ग स्लीव्स एक्चुअली थोड़े अलग तरीके से कट की जा सकती है या करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखने वाले हैं। तो 1.5 इंच का सबसे पहले तो आपको इस तरीके से लाइन बनाकर यहाँ पर एक सीधी लाइन कर लेनी है। अब इस लाइन के बाद आपका जो भी हैंड का पूरा मेजरमेंट होगा वहां तक आपको मार्क करना है। तो मुझे यहाँ पर 19 इंच की रेडी में स्लीव चाहिए, तो मैंने 19 इंच पर एक मार्क कर लिया है। अब इस 19 इंच के मार्क के बाद यहाँ पर हम 3 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। नॉर्मल स्लीव में हम 2.5 इंच तक करते हैं, इसमें हम 3 इंच तक हम करेंगे। और यहाँ पर अब हम जो मेजरमेंट है वो लेंगे, चेस्ट का हमारा जो छाती का पांचवा भाग होगा उसे हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। तो हमारे जो गाउन में हमने चेस्ट मार्क लिया है वो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 30 इंच यानी कि 30 इंच का लिया है। तो उसका पांचवा भाग करने पर हमें 6 इंच मिलेगा। तो 6 में हम 1/2 इंच यहाँ पर मिला कर लेंगे, यानी कि 6.5 इंच हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे और 2 इंच की हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से हमने देखिए लाइन बना ली है। अब हम यहाँ का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ जो हमारे जो स्लीव्स के यहाँ पर जो गोलाई है वो यहाँ पर 8 इंच है, तो हम 8 का आधा 4 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से मार्जिन रखने के बाद हमें जो लास्ट वाले दोनों मार्जिन की लाइन्स है उनको इस तरीके से आपको मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ पर एक लाइन बना लेनी है। इस तरीके से लाइन बनने के बाद अब हमारे ऊपर के शेप की बारी है। देखिए ये जो है वो हमारा एग्जैक्ट फिटिंग वाली लाइन है और यहाँ पर 1/2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे।
तो सबसे पहले हमें चौक को इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर हैंड का इस तरीके का शेप दे देना है और ऊपर वाले भाग का जो है हमें मार्जिन के साथ में एक इस तरीके से शेप बना लेना है और अब हम इसे इस शेप पर कट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग इस तरीके से कर ली है। अब हम इस कपड़े को साइड में रख लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए इस तरीके से हमने इन दोनों स्लीव्स को कट कर लिया है और अब हमें यहाँ पर फ्रंट का जो है वो हमें शेप देना है। तो फ्रंट का शेप देखिए हम किस तरीके से देते हैं। जो हमारा यहाँ का मार्किंग रहेगा वहीं से आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। अंदर वाली लाइन पर आपको इस तरीके से कट करते हुए यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस तरीके से शेप नहीं देना है और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। तो देखिए ये हमारा हमने शेप को कट किया है। तो आप इस तरीके से अगर स्लीव्स को रखेंगे तो देखो आपको अच्छे से पता चलेगा। और जब हम अटैच करेंगे इस स्लीव्स को तब हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमने ये शेप दिया है, जो हमारे गाउन का फ्रंट वाला साइड होगा उसी के साइड में आपको ये वाली लाइन को यहाँ पर स्टिच करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से इसे कपड़े को फोर फोल्ड कर दिया है और फोर फोल्ड करने के बाद हम अपना जो बैक वाला पार्ट है उसे रखकर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो फ्रंट एंड बैक अलग अलग रखकर भी कटिंग कर सकते हैं। हमें एग्जैक्ट इसमें हमें और कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखनी है और हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से ये बैक वाले पार्ट के हिसाब से दो पार्ट्स कट किए हैं। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। पहले हमें फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाला पार्ट हम इस तरीके से दोनों अलग कर लेंगे। अभी दोनों का मेजरमेंट सेम है लेकिन जिस तरीके से हमने अस्तर पर फ्रंट वाले के लिए शेप्स दिए थे उसी तरीके से हमें बैक पर भी शेप्स करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर तो ये हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्रंट वाले पार्ट के लिए रख कर देखते हैं। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए आपको अच्छे से पहले इसे रख लेना है और उसके बाद हम इस फ्रंट वाले पार्ट को इस पर रखेंगे। तो देखिए जो भी शेप्स हमने एक्स्ट्रा दिए थे वो सारे अभी कटिंग के लिए बाकी है। तो पहले हम इसे अब कट कर लेंगे। ये हमने नेक की विड्थ कट कर ली है और अब हम ये आर्म होल की साइड पर भी शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए और इसी के साथ हमने स्लीव्स भी रेडी कर लिए हैं। तो अब हम नीचे की फ्लेयर वाले पार्ट का माप देखेंगे। हमने यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हमने अपना जो ये अस्तर वाला कपड़ा कट किया था घेर के लिए उसी तरीके से हमने मेन फैब्रिक कट कर दिया है। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी कि जिस तरीके से हमने अस्तर के लिए इसमें जॉइंट लगाए थे, जो हमने यहाँ पर देखिए घेर में कम पड़ता है जो कपड़ा है उसके लिए जो जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये जॉइंट्स लगाए थे उसी तरीके से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें भी कुछ कटिंग के लिए आपको मतलब कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा। जितना अगर आप ज्यादा घेरदार बनाना चाहते हो तो आपको ये देखिए नीचे की तरफ से इस तरीके से जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने अस्तर में लगाया है वैसे ही हमने मेन फैब्रिक में लगाया है। जैसे कि हम अस्तर में लगाते हैं उसी तरीके से हमने मेन फैब्रिक में जॉइंट लगाकर इसे देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को इक्वल में कट किया है। अगर आपका जो मेन कपड़ा है मेन फैब्रिक ये जो है वो अगर थोड़ा सा जाड़ा है तो आप अस्तर को शॉर्ट भी रख सकते हैं अंदर से, लेकिन मेरा यहाँ पर बहुत ट्रांसपेरेंट है और व्हाइट है तो इसीलिए मैंने इसे इक्वल में रखा है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पार्ट्स के ऊपर से और ये जो नीचे की लास्ट वाली है उसे सिलकर अस्तर और मेन कपड़े को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट का पहले जो नेक है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट के लिए देखिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों का भाग ले लिया है। इस तरीके से हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि हमने किस तरीके से कट किया। यहाँ पर हमें 3.5 इंच की जो है शोल्डर रखनी है और 3.5 इंच की इसमें डीपनेस रखनी, ब्रॉडनेस और डीपनेस रखनी है और इसके नीचे से हम और इसे डीप बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए इसमें हमें सबसे पहले जो हमारा जो राउंड वाला भाग है उसे हमें स्टिच करना है और उसे हमें सेट करना है। ये हमारा जो कपड़े का जो मेन फैब्रिक का सीधा वाला भाग होगा उसे हम अस्तर के सीधे वाले भाग पर रखेंगे और यहाँ पर हम पूरे जो राउंड नेक है उसमें सिलाई लगाएंगे। इसे आपको अच्छे से सेट करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ जो हमारी टाशनी पिंस या जो मोती पिंस होती है उनका यूज़ ज़रूर करें। उसे यूज़ करने से नेक की जो फिनिशिंग है वो परफेक्ट आएगी। इसे हमें राउंड में ही घुमाते हुए यहाँ पर स्टिच करना है। जितना आपने 1/2 इंच या फिर उससे भी 1/2 जितना मार्जिन के लिए छोड़ा होगा उतने के पर आपको स्टिच कर लेना है।
इसके बाद हम देखिए इस राउंड के अंदर की साइड जो है कट्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा धागे हमें कट कर लेने हैं। जो हमारा ये गला होगा उसमें हमें देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई के अंदर तक ही कुछ कट्स लगा लेने हैं, जिससे कि जो राउंड शेप है वो परफेक्टली बन सके। इस तरीके से कट्स लगाने के बाद हमें इसे उल्टी तरफ मोड़ना है, यानी कि हम अंदर की तरफ से इसे पलटी करेंगे। टर्न करने के बाद हमें इस पर इस तरीके से फिनिशिंग वाली फ्रंट वाली सिलाई लगानी है। तो उसके लिए देखिए हमें जो है अस्तर वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसी तरीके से परफेक्टली पकड़नी है। हम इसे प्रेस कर कर भी यहाँ पर ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है पूरे में, इस तरीके से सिंगल सिलाई लगानी है और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी डीपनेस के हिसाब से इसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इस कपड़े को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है, जिससे कि जो हमारा नेक है वो परफेक्टली बने, कपड़ा यहाँ वहाँ सरके ना। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पर चारों तरफ सिलाई कर ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब हमें इसके डीपनेस में जो भी आपको पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करना है आप उस तरीके से इसमें बना सकते हैं। यहाँ पर हम हार्ट शेप का जो है वो पैटर्न बनाएंगे, हम यहाँ पर डबल हार्ट पैटर्न वाला बनाने वाले हैं। तो हमने उसके लिए कैनवस पेपर लिया है, इसे बुकरम भी कहते हैं, कैनवस पेपर भी कहते हैं। और देखिए हमें पहले डीपनेस उसकी मार्क करनी है कितनी है, उसके हिसाब से हम उस कैनवस को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच पर हमें डीपनेस चाहिए, तो 10 इंच की हमें मार्किंग कर लेनी है। कैनवस को अच्छे से हमें पकड़ कर रखना है वहाँ पर। उसके बाद 3.5 से 4 इंच तक आप यहाँ पर ब्रॉडनेस के लिए मार्क लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ब्रॉडनेस पसंद करते हैं बैकलेस टाइप में तो आप 4 इंच तक इसे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप 3.5 इंच में ही इसे ड्रॉ कर बना सकते हैं। अब आपको जो भी पैटर्न यहाँ पर आपको क्रिएट करना है उसे आपको एकदम रफली पहले ड्रॉ करना है। यहाँ पर मुझे हार्ट शेप ड्रॉ करना है, मैं हार्ट शेप वाला नेक बनाऊंगी, डबल हार्ट शेप वाला। तो यहाँ पर मैंने देखिए हाफ हार्ट शेप को हमने बना लिया है, इसे हम दूसरी तरफ पलटी करेंगे और वहाँ पर हम थोड़ा सा दबाव देकर वो वाली जो साइड पर है उसके ऊपर देखिए हल्की सी लाइन आ गई, इससे हम डार्क करके हमने इस साइड पूरा ये हार्ट कंप्लीट कर लेंगे हम। ये हमारा हार्ट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखेंगे इसको हम फैब्रिक पर किस तरीके से बनाते हैं। तो फैब्रिक पे हमें जो मिडल पार्ट है उसे मार्क कर लेना है, ताकि हार्ट का जो मिडल वाला पार्ट है वो परफेक्टली दोनों तरफ सेम रह सके, हार्ट थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा ना लगे, उसके लिए हमें यह बहुत ज़रूरी है। अब हमें इस तरीके से देखिए कैनवस पेपर पर जो मार्किंग की है उसके लिए हमें अस्तर का वाला जो फैब्रिक है वाइट कलर का वो वाला ले लेना है। अब हमें इस हार्ट के चारों तरफ सिले सिलाई लगा लेनी है। हार्ट के चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद ये यहाँ पर जो है एकदम परफेक्टली इस कपड़े के साथ कैनवस पेपर सेट हो जाएगा। तो आपको जो लाइनिंग हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। जिसे जैसे हार्ट को टर्न करना है उस तरीके से जैसे जैसे लाइनिंग टर्न होते जाएंगी वैसे वैसे मशीन को टर्न करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपका कपड़ा और कैनवस फिसल रहे हैं या बार बार सरक रहे हैं तो आप इससे पहले पिन से अटैच करने के बाद भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें पूरे हार्ट में सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक हार्ट का टर्न है वहीं तक आपको स्टॉप कर देना है, डबल सिलाई से इसे लॉक भी कर लेंगे हम। अब इसे हम जो हमारा बैक वाला जो था पार्ट उसे लेंगे, इससे हम देखिए इस तरीके से हाफ फोल्ड किया है, मिडल पार्ट निकालेंगे, फ्रंट फैब्रिक में भी मिडल वाला पार्ट निकालेंगे और इस तरीके से सबसे पहले हम मेज़र करेंगे कि हमें हार्ट शेप कहाँ से कितना डीप लेना है और पहले हम इसे पिन से अटैच कर लेंगे। चारों तरफ से पिन से अटैच कर लेंगे तो ये परफेक्टली हार्ट शेप को हमें सिलाई करने में दिक्कत नहीं होगी।
बहुत इजी तरीके से हमारा हार्ट शेप का जो नेक है वो बनकर रेडी हो जाएगा। पिन से सेटअप करने के बाद अब हमें जैसे नेकलाइन पर सिलाई की थी उसी तरीके से हमें नेकलाइन के यहाँ पर पूरे हार्ट शेप में सिलाई कर लेनी है। पहले पूरे हार्ट शेप को आपको एग्जैक्ट जहाँ पर हमने मार्क किया है उसी तरीके से इससे सिलना है। थोड़ा सा भी आपको आगे पीछे मार्जिन कुछ नहीं छोड़ना है इसमें। बस इसी तरीके से आपको यहाँ से सुई उठाकर निकाल लेनी है और अब हमें पिनों को निकाल लेंगे और बीच में जो हमारा हार्ट शेप है उसे हमें बीच से कट करना है। बस इस तरीके से सिलाई से थोड़ा सा आपको मार्जिन रखते हुए इसे कट करना है ताकि अंदर की तरफ कट लगाकर हम इसे टर्न कर सकें। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरे हार्ट को कट कर लिया है अंदर की तरफ से। अब हमें इसे अंदर की तरफ टर्न करना है और उसके लिए देखिए पहले हम ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास कैनवास और बाहर कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। अब हम इसमें अंदर की तरफ सिलाई से पहले तक ही हम इसे कट लगाएंगे। इस तरीके से अंदर कट लगाने से नेक की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। इसमें कट लगाने के बाद अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये हमारा जो हार्ट शेप का जो पार्ट होगा उसे हमें बहुत अच्छे से क्लियरली निकालना है। तो उसके लिए आप पिन और सीज़र या किसी भी चीज़ का जो नुकीली हो, स्क्रू ड्राइवर जो हमारे मशीन पर काम आते हैं उनमें से कोई भी चीज़ों को आप लेकर इसके जो है नोक निकाल सकते हैं, यानी कि जो हम इसके पॉइंट्स है उसे आपको क्लियरली निकालने हैं। इसके बाद हम इसे जो फ्रंट वाली फिनिशिंग वाली सिलाई है वो लगाएंगे। तो देखिए उसको लगाने या तो आप इसे प्रेस कर कर भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली आप अंदर की तरफ इसे थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए भी लगा सकते हैं। इसमें कोई प्लीट शॉल या कोई भी जो है कपड़ा कहीं से भी मुड़ना नहीं चाहिए। एकदम स्ट्रेटली हमें इसमें सिलाई कर लेनी है हार्ट शेप जिस तरीके से हमने अंदर फोल्ड किया है उसी तरीके से। पूरे हार्ट में हम सिलाई लगाते जाएंगे इसी तरीके से। इसको हम प्रेस करने के बाद भी यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। अस्तर बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, इस बात का हमें यहाँ पर खास ध्यान रखना है और हमें हार्ट को पूरा सिलाई कर कर यहाँ पर कंप्लीट कर देना है।
सिलाई लॉक करते हुए हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ओनली, अगर आप सिंगल हार्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से रेडी है। अब हमें छोटे हार्ट के लिए यानी कि अंदर डबल हार्ट के लिए हमें एक छोटा सा फैब्रिक लेना है, जो ऊपर जो हमने नेक कट किया था उसमें से बचा हुआ था, मैंने वही फैब्रिक को यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से हार्ट शेप दे देंगे। हार्ट शेप देने के बाद इसे हम कट कर लेंगे और हमारे पास ऐसे दो पीस होने चाहिए, एक अस्तर का और एक मेन फैब्रिक का, या फिर दोनों ही मेन फैब्रिक के। इस तरीके से हमने दोनों हार्ट्स कट कर लिए हैं। अब हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है कि एक तरफ हमारे पास पलटी करने के लिए थोड़ी सी ओपन स्पेस रहे, तो हम एक तरीके से थोड़ा सा इसे खुला रखेंगे यानी कि वहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे हम। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। शेप आपको प्रॉपर रखना है इसमें। यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्पेस यहीं पर देखिए इस तरीके से ओपन रखनी है। बस अब हम इसमें फिर से जैसे हमने ऊपर कट्स लगाएंगे, वहाँ पर भी हम यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि ये प्रॉपरली अच्छे से फोल्डिंग इसकी हो सके और अच्छे से ये टर्न हो जाए। अब इसे हमें धीरे धीरे अंदर वाले पार्ट को बाहर लाना है, इस तरीके से हमें इसमें टर्न करना है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपको इसमें परफेक्टली एकदम अच्छे से यहाँ पर हार्ट को देखिए कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ लाना है। अब हमारी जो कटिंग्स बची हुई रहेंगी, यहाँ पर आप वो जो प्लास्टिक वाला या फैब्रिक वाला जो अपना कॉटन आता है वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो कपड़े का ही बचा हुआ भाग है वो हमने छोटे छोटे कट्स करके इसके अंदर जैसे हम क्वेश्चन में या पिलो में भरते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर इस पूरे हार्ट को अंदर की तरफ से फिल कर देना है ताकि ये पूरा ऐसे उभरा हुआ लाइक टेडी बियर या कोई हम लटकन देखते हैं उस तरीके का दिख कर आए। इसी तरीके से आप लटकन भी बना सकते हैं। पूरा फिल करने के बाद देखिए हमें पहले जो गांठ वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ चला जाए, इसके लिए इस तरीके से पहले धागे को अंदर की तरफ अटैच कर लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और अंदर से राउंड वाली ऊपर से जो है राउंड वाली सिलाई लगाएंगे जिससे कि वो बाहर दिख कर ना आए। देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, थोड़ा थोड़ा आपको उसे फोल्ड करना है और शेप आपको प्रॉपर मेंटेन करना है यहाँ पर। इसी तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये सिलाई लगाने के बाद हमारा हार्ट इस तरीके से छोटू सा हार्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमें इसे उस हार्ट जो हमने बैक नेक बनाया था उसके अंदर अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए हमें जो है यहाँ पर इस हार्ट का जो फ्रंट वाला भाग है वो कुछ इस तरीके का है। अब बैक वाले पार्ट को ले लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर इस तरीके से ये बैक एंड फ्रंट से मतलब है जो हमारा हार्ट है वो और बैक साइड। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक धागा पिरोएंगे छोटा सा वहाँ सुई से, इसे जो हमारा हार्ट शेप का अंदर यानी कि जहाँ थ्री बनता है और जो अंदर वाला पॉइंट है वहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे धागे को। और आप दो से तीन मोती ले सकते हैं, चार, आपको जितना लॉन्ग वो हार्ट रखना चाहते हैं उतने लॉन्ग हम मोती लेंगे और वहाँ पर इसे धागे में पिरो देंगे। इसके बाद हमें जो है जो हमारा हार्ट है उसका भी जो अंदर वाला कोना होगा वहाँ से हमें इसे अटैच करना है, मतलब इसे हमें एज एक लटकन की तरह अंदर की तरह लटकता हुआ एक हार्ट यहाँ पर बनाना है। तो इस तरीके से हमें इसे टाई करना है। अब हम थोड़ा सा कपड़े की तरफ लेते हुए फिर से रिवर्स इसे जो हमारे बीट्स हैं उसके वहाँ से इसे
बैक में ले जाएंगे ताकि ये बीड्स भी डबल बार टाई होकर यानी कि एकदम अच्छे से टाई हो जाए। देखिए इस तरीके से हमें बीड्स के थ्रू फिर से सुई पास करनी है अगली तरफ से। यानी कि अगली साइड से फिर से ये सुई हमारी निकल कर इस तरीके से आ जाएगी। इसे आप 2 से 3 बार कर सकते हैं इसी तरीके से रिपीट, और इसे अच्छे से टाई कर सकते हैं ताकि एकदम फिक्स हो जाए परफेक्टली। इसे इस तरीके से हमें टाई करके एक नॉट बांध लेनी है। और देखिए ये हमारा फ्रंट फैब जो नेक है डबल हार्ट वाला वो रेडी हो चुका है। देखिए ये हार्ट का जो हमारा है बैक लुक जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो गाउन में बनने वाला जो है बैक फैब जो नेक है वो बनकर रेडी हो चुका है। या आप किसी भी कुर्ती गाउन ब्लाउज किसी में भी आप बैक में बना सकते हैं। अब इसके बाद हम फ्रंट का जो नेक है फ्रंट वाले नेक को हम स्टिच करेंगे। तो फ्रंट वाले नेक का देखिए हमने ये अस्तर वाला भाग ले लिया है और ये हमने लिया है मेन फैब्रिक। अब हमें जो मेन फैब्रिक का सीधा वाला भाग है वो हमें अस्तर के सीधे वाले भाग पर रख कर स्टिच करना है। हमें सिर्फ राउंड शेप में अभी यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। यहाँ पर राउंड शेप में जितनी आपने मार्जिन रखी है नेक के यहाँ से उतनी मार्जिन के यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हमें प्रॉपरली एकदम एग्जैक्ट डबल जो है वो लेना है अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को। अब हम इसके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे जिस तरीके से हर नेक के लिए हम लोग लगाते हैं वैसे ही कट्स बिल्कुल आपको छोटे छोटे लगाने हैं। सिलाई के अंदर ही सिलाई के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से कट लगाने के बाद एंड तक हमें पूरे गले में कट लगाना है। और अब इसके बाद हमें इसे अंदर की तरह टर्न कर लेना है यानी कि इसे फ्लिप कर लेंगे हम अंदर की साइड पर। टर्न करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक होगा। फिर से हमें एक सिलाई लगानी है इस पर फिनिशिंग वाली राउंड शेप में। तो हम फिनिशिंग के लिए देखिए इस तरीके से राउंड नेक में पूरे में सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। को अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को प्रॉपरली इसे पकड़ने के बाद ही स्टिच लगानी है यहाँ पर। हम इस नेक को कैनवस से भी बना सकते हैं, हम इसमें दूसरा पैटर्न करने वाले हैं नेक के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से नेक बनाया है। पूरे गले में हम प्रॉपर जो लाइन है उस लाइन को पकड़ते हुए अच्छे से इसे राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर सिर्फ आप प्लेन राउंड रखना चाहते हैं तो ये राउंड शेप का हमारा नेक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। देखिए राउंड शेप बन गया है। अब हमें इसके आगे के पैटर्न के लिए रेडी करना है। तो उसके लिए हमें जो है साइड में हमने चारों तरफ से सिलाई कर दी है, इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और इसके बाद हम इसका निकालेंगे मिडल पॉइंट। देखिए मिडल पॉइंट के लिए हम इसको एग्जैक्ट रखेंगे और अपने नाखून या जो फिंगर्स को प्रेस करते हुए इस तरीके से मिडल लाइन को यहाँ पर लगा लेंगे और मिडल लाइन को हम यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेंगे। इसको बिल्कुल मिडल से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद हम उसे जिस तरीके से पहनते हैं उस साइड लेंगे और जो हमारा राइट हैंड साइड वाला जो कपड़ा होगा वो वाला हम यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो भाग होगा उसे हम लेंगे और उसके ऊपर हम देखिए कुछ इस तरीके की बनाई हुई पोटली होती है वह उसकी डिज़ाइन बनाएंगे। इसे पोटली पैटर्न पोटली डिज़ाइन या पोटली का या राउंड शेप का कोई भी आप इसमें यहाँ पर कोई बटन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पोटली पहले स्टार्टिंग में बहुत ही ऊपर ऊपर तक रही, तो जहाँ हमने धागा फोल्ड किया वहाँ हम इस तरीके से सीजर के बैक वाले पार्ट से इसके ऊपर थोड़ा हल्के हाथ से मारेंगे तो ये थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा जिसमें सिलाई करने के लिए आसानी होगी हमें। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमने इतनी पोटलियाँ बनाई हैं।
ये आप थर्माकोल या जो कपड़ा है उसे भी बना सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए हमें यहाँ पर हम जो है सिंगल पैडल का यूज़ करेंगे। तो सिंगल पैडल के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ से इस स्क्रू से हमें जो है डबल पैडल को यहाँ से स्क्रू से ओपन करना है। ये बहुत आसानी से ओपन हो जाएगा और इसके बाद हम इसे रिप्लेस कर देंगे सिंगल पैडल से। तो यहाँ पर जो भाग है उसे हमें क्लीन करते हुए जो ये सिंगल पैडल है उसे अटैच करना है। तो देखिए सेम उसी तरीके से हम इसे वापस स्क्रू जॉइन करते हुए यहाँ पर सिंगल पैडल लगा लेंगे। इस सिंगल पैडल को आपको अच्छे से फिट करना है और इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर जो है अंदर वाली साइड यानी कि जो हमारे बीच वाली साइड जहाँ मिडल में हमने कट किया था उस वाली साइड के पर हम पोटली लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पोटली का एक भाग बहुत ज़्यादा ऊपर होता है राउंड वाला शेप, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगल पैडल का यूज़ किया है। इस तरीके से पोटली को नीचे से हाफ इंच या वन इंच जितना आपने मार्जिन रखा है उतना छोड़ने के बाद हम यहाँ पर पोटली को सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी पोटली अटैच होनी चाहिए। इसके बाद हम दूसरी पोटली के लिए पैडल को फिर से ऊपर की तरफ करेंगे और देखिए दोनों को आपको उंगलियों से इक्वल शेप में रखते हुए यानी कि इक्वल स्पेस देते हुए इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करनी है। अब इन पोटलियों को आप दूर दूर लगा सकते हैं, दो दो की पेयर्स में लगा सकते हैं, तीन की पेयर्स में लगा सकते हैं या एकदम भी आप इसे पास पास में लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एकदम से ही पास में लगा कर इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। तो देखिए इस तरीके से हम एक एक पोटली को धीरे धीरे अटैच करते जाएंगे। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से भी आप इसे अच्छे से यहाँ पर बिठा सकते हैं, सीजर या कोई भी नुकीली चीज़ को लेकर हम यहाँ पर इस तरीके से पोटलियों को इक्वल एकदम आपको रखना है। आगे पीछे यानी कि छोटी बड़ी नहीं दिखनी चाहिए। इसी तरीके से हमने देखिए यहाँ पर पूरे इसमें यहाँ पर ये जो भाग था हमारा वो लगा लिया है पोटली वाला। तो देखिए ये जो बीच का भाग है वो है। तो अब हमें जो दूसरी साइड वाला भाग है उसे हमें पोटली के जो यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उस वाले साइड पर हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए देखिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिंगल पैडल की सहायता से जितना आपने पोटली के यहाँ पर मार्जिन दिया था वो आपको ध्यान रखना है और वहीं से आपको सिलाई लगानी है। वहाँ पर हमें ओनली पोटली की जो राउंड शेप से वही दिखने चाहिए, एक्स्ट्रा वाले नहीं। और यहाँ पर हमने उस राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले जो है सीधे वाले भाग पर सीधा वाला भाग रखकर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे हम। आपको यहाँ पर दो से तीन बार सिलाई लगा लेनी है जिससे कि ये एकदम फिट हो जाए। यहाँ पर हमें दो से तीन से लेकर हम एकदम इसे टाइटली फिट कर लेंगे ताकि वो बॉल्स फिसल कर भी ना निकले और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आगे की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर हम जो है हमारा इस तरीके से राउंड नेक में अच्छा डिज़ाइनर एक नेक बनाकर रेडी कर दे रहे हैं। हमें ऊपर की तरफ भी ध्यान रखना है कि गले में जो राउंड शेप है वो ऊपर नीचे ना हो और नीचे की तरफ से भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हमने बॉल्स को अटैच किया है यहाँ पर घोटियों को। इसे बहुत सारे पैटर्न्स के नेम से इसे जाना जाता है। देखिए राउंड शेप में भी हम इतना अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना सकते हैं और उसके बाद देखिए हम इसकी जो फिनिशिंग वाली फाइनल सिलाई है वो लगा लेंगे ऊपर की तरफ ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो ये हमारा फ्रंट नेक है वो पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है। तो देखिए ये रेडी होने के बाद कितना अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल बैक ये जो हमारा फ्रंट नेक है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप किसी भी गाउन सूट या चोली में फ्रंट की तरफ में बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको पूरे में सिलाई लगाकर इसे अटैच भी कर लेना है साइड में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर अम्ब्रेला ड्रेसेस का भी हमने ऊपर और नीचे के भाग को
अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। उसी के साथ में ही हमने देखिए यहाँ पर इस तरीके का ये फ्रंट नेक बनाकर रेडी कर दिया है। फ्रंट नेक के साथ ही साथ आपने देख लिया कि हमने बैक नेक को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो ये रहा हमारा ब्लैक बैक नेक, ये रहा। अब इस बैक नेक और फ्रंट नेक को तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। अब इसी के साथ देखिए हमने जो स्लीव्स को कट करके रखा था वो हमने ले लिया है। स्लीव्स में हमें अस्तर नहीं लगाना है। देखिए अब हमें किस तरीके से इन्हें ज्वाइन करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट ले लेना है और इन दोनों को सीधी वाली साइड को दोनों को एक ही साइड रखना है। और अब सबसे पहले हम इन्हें शोल्डर के यहाँ से ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर के यहाँ पर देखिए हमने इतना ये जो मार्जिन रखा था उसी हिसाब से हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी हम इस साइड वाला रेडी कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर देखिए शोल्डर दोनों तरफ से ज्वाइन होने के बाद हमें इसे इस तरीके से ओपन करना है। और अब हम यहाँ पर हमारे स्लीव्स की जो हमने कटिंग करके रखी है वो यहाँ पर आर्म होल्ड के यहाँ हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमने जब स्लीव्स को कट किया था तब इसमें हमने एक फ्रंट वाला जो फ्रंट का जो डीपनेस था यानी कि फ्रंट का जो शेप था वो दिया था। तो देखिए हमें पहले स्लीव्स को इस तरीके से रखना है और हमें देख लेना है कि हमने फ्रंट वाला शेप किस तरफ से दिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट वाला शेप इस साइड पर दिया है। तो सबसे पहले हमें एक स्लीव्स लेनी है और इसे हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे स्लीव्स को अटैच किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने जो स्लीव्स का ये जो है हमारा ये बीच यानी कि मिडल है, तो ये जो मिडल वाला पार्ट है वो हमेशा हमारा देखिए इन दो शोल्डर्स की सिलाई के यहाँ आना चाहिए। और इस तरीके से रखकर हमें देख लेना है कि किस तरीके से हम इसे अटैच कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच करनी है स्लीव्स को। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लिया है और पूरे में राउंड राउंड जिस तरीके से हमारा आर्म होल था उसी तरह से हमने सिलाई की है। और उसी तरह सिलाई करने पर देखिए ये स्लीव्स कितने अच्छे से हमारी यहाँ पर स्टिच हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमें जो हमारा कुर्ती का उल्टा वाला साइड है यानी कि अंदर वाला साइड है उस तरफ हमें स्लीव्स को रखना है। और यहाँ पर हमें स्लीव्स को लास्ट का जो हमारा बॉटम साइड होता है उस साइड पर फोल्ड करना है। तो देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच ऐसे और आधा इंच इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। हमें इसी तरीके से सेकेंड वाली स्लीव्स के यहाँ पर भी फोल्ड कर देना है। तो बस इसी के साथ देखिए हमारी ये स्लीव्स वाला जो पार्ट था वो अटैच कर रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए हम दूसरी स्लीव्स को भी अपने रेडी करने जा रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी हाफ हाफ इंच दोनों तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो इसी के देखिए इसी के साथ हमारा जो फ्रंट पार्ट वाला काम था वो हमारा पूरी तरीके से हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमें इसके जो ये हमारा घेर वाला भाग है वो जो हम यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं वो हम किस तरीके से करेंगे। तो प्रॉपर फिटिंग और प्रॉपर इसी तरीके से घेर कैसे अटैच करना है देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आपको इस तरीके के न्यू एंड इजी
आइडियाज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने पूरे इसमें जो है साइड पे एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है। अभी हमने इसकी प्रॉपर फिटिंग की नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर इसे साइड पे एक सिलाई लगाकर इसे लॉक किया हुआ है। अब हम इसकी प्रॉपर जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो लगाएंगे। तो फिटिंग वाली सिलाई के लिए सबसे पहले तो या तो आपने जितना मार्जिन छोड़ा है, जैसे 1.5 से 2 इंच का जो मार्जिन छोड़ा है उसे लेकर कर सकते हैं, कि डायरेक्टली दोनों तरफ 1.5 इंच का सिलाई का जो हमने मार्जिन रखा था उसके उससे सिल ले, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि इस तरीके से आप वापस से इसे मेजरमेंट कर ले बनने के बाद, और उसके बाद आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग इसे फिटिंग करें। तो आप फ्रंट या बैक कोई भी साइड से आप इसे कर सकते हैं मेजर। तो हमने जो यहाँ पर फर्स्ट जो सिलाई डाली थी वहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो ये फर्स्ट वाली सिलाई थी, इस फर्स्ट वाली सिलाई से हम लेंगे और हमें देखना है कि ये जो लास्ट हमने इस साइड पे सेकेंड वाली साइड पर जो सिलाई डाली है इसके बीच में ये कितना है। तो ये 16.5 यहाँ पर है, यानी कि 16.5 इंच है। तो आपको इसका डबल कर देना है। अभी हम यहाँ डबल करेंगे तो 33 इंच यानी कि 33 इंच का ये गाउन हमारा जो है वो इस तरीके से रेडी है। बट हमें जो गाउन चाहिए वो 30 इंचिस का ही चाहिए, 30 इंच का ही चाहिए। तो हमें देखिए 33 है तो हमें 3 इंच कम करना है। तो 3 इंच कम करने के लिए हम साइड से जिसे 3 इंच को हमें टोटल कम करना है, तो 1.5 इंच और 1.5 का भी आधा, यानी कि हम 1 इंच से भी कम है कि यहाँ पे 0.25 इंच यहाँ पर हम यानी कि 0.75 के यहाँ पर हम इस तरीके से देखिए मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए 0.7, अभी हम आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था और बाद में हमारा ये ऐसे कम कैसे हुआ। तो 2 इंच के मार्जिन में हमने आधा इंच तो दोनों साइड से हमारा यहाँ पर गया, सो 1 इंच हमारा फ्रंट नेक और बैक नेक बनाने में चला गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े के एंड से, यानी कि सबसे लास्ट जो कपड़े का एंड है वहाँ से देखेंगे तो जहाँ हमने मार्किंग की वो बराबर 1.5 इंच पर है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी 1.5 इंच का ले सकते हैं या मेज़र करके भी ले सकते हैं। इसी तरीके का जो मार्किंग है वो हमें इस साइड पर भी लगाना है। तो इस साइड पर भी हम देखेंगे कि हमारा मार्किंग कहाँ पर आएगा, तो उस हिसाब से देखिए सिलाई के यहाँ से लेंगे तो 0.75 पर, और अगर डायरेक्ट लेंगे तो 1.5 इंच पर हमें इसे मार्क कर लेना है। अब रही बात कमर की साइज से, तो यहाँ पे जहाँ पर हमने ये अटैच किया था वो रहेगा हमारा कमर का फिटिंग वाला पार्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस कमर के पार्ट से 1 इंच ऊपर की तरफ ही हम पहले मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि 1 इंच से जब हम इस तरीके से घुमाव दे यहाँ पर हम घुमाव देंगे तो वो प्रॉपरली फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा मेजरमेंट है वो 15 इंच आ रहा है, यानी कि 30 इंचिस पर ये हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए 30 इंच, और हमें यहाँ पर चाहिए 26 इंच, यानी कि हमें 4 इंच कम करना है। तो 4 इंच कम करने के लिए हम दोनों साइड से सिलाई के यहाँ से 1-1 इंच का इस तरीके से मार्किंग लगा लेंगे। तो 1-1 इंच पर हमें इसे फिट करना है, और नीचे से हमें घेर की साइड से कोई फिटिंग नहीं करनी है। हमें जस्ट हमने जो एक सिलाई लगाई है उसी पर वापस सिलाई लगा लीजिए, या यहाँ से यहीं पर आकर आपको लॉक कर लेना है। अब रही बात हमारी जो है वो स्लीव्स की, तो स्लीव्स के यहाँ से देखिए हमें इसी तरीके से स्लीव्स को भी लेना है। सबसे पहले हम एक स्लीव्स को लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और हमारा जो ये वाला बॉटम वाला स्लीव्स के यहाँ पर जो बॉटम का पार्ट है हाथ के यहाँ पर वो हमें रखना है 8 इंच। 8 का हम आधा कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 इंच, हम यहाँ पर 4 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और इसी तरीके से हम इस स्लीव्स पर भी 4 इंच की मार्किंग कर लेंगे। और अब इस मार्किंग के बाद हमें इसी मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा, ये भी हमने 4 इंच पर मार्क कर लिया। अब देखिए हम एक तरफ सिलाई में आपको लगाकर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो मार्किंग हमने की है उसी मार्किंग के ऊपर से हम स्टार्टअप करेंगे हमारी जो फिटिंग वाली सिलाई है उसका। यहाँ पर हमें इसी तरीके से देखिए स्ट्रेट एकदम कपड़ा कहीं से भी आपका इस साइड और इस साइड फोल्ड नहीं होना चाहिए, आपको दोनों तरफ से बराबर कपड़ा रखना है। ये नहीं कि एक साइड से ज़्यादा और एक साइड से आपका कम हो कपड़ा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, आपको स्ट्रेट सिलाई लगा ले ली है। अब जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से आ गए तो यहाँ पर देखिए हमारे हमें यहाँ तक सिलाई लानी है, तो ये सिलाई इस तरीके से कर्व शेप की लगाएंगे इस तरीके से।
और अब हम यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे दोनों का भाग हमारा हमने इस तरीके से प्लेन ले लेना है और इसे फिटिंग करनी है। अब इस फिटिंग को हम यहाँ पर लाकर लॉक कर लेंगे। हमें लास्ट तक हमने एक बार अटैच कर लिया है, आप चाहे तो दो सिलाई लगा सकते हैं, मैंने अभी एक बार के लिए इसे एक स्टिच दे दी है। अब इसी तरीके से हम सेकेंड वाली साइड को भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से गाउन की दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाई लगाकर ये हमने अपने प्रॉपर जो बॉडी मेजरमेंट था उसके हिसाब से हमने स्टिच कर लिया है। तो अब हमारी जो लास्ट इस जो गाउन या कुर्ते की जो हमारी लास्ट जो चीज़ बची है वो है नीचे से इसे हमें फोल्ड करना है। यानी कि हमने जो यहाँ पर फुल जो लेंथ रखी थी वो हमें 39 चाहिए थी, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 39 के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, या तो आप पूरे गाउन को फिर से मेजरमेंट कर लीजिए, या देखिए यहाँ से आपको पहले तो हमने यहाँ पर इस तरीके से एक जो आधे इंच की जो मार्किंग यानी कि की हुई थी एक्स्ट्रा उसे हमने फोल्ड कर दी है। अब यहाँ से हमें 2 इंच देख लेना है। तो देखिए 2 इंच कुछ यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आने का मतलब है हमें यहाँ तक इस गाउन को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये जो हमारा होगा वो अंदर की तरफ फोल्डेड जो रहेगा वो साइड रहेगा, यानी कि नीचे जो हमारी फोल्डिंग पट्टी आती है वो रहेगी। अब जो है अगर आप पहले से सिलाई जानते हैं, सिलाई करते हैं, तो आप इसे डायरेक्टली मशीन इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं। लेकिन आप सीख रहे हैं, आप बिगनर से या फिर आपको राउंड में सिलाई डालने की आदत नहीं है या कपड़ा ऊपर नीचे होता है, तो सबसे आसान तरीका यही है। हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके की पिंस होती है सिलाई के लिए, तो हम इन पिंस को 2 इंच पर इस तरीके से टक कर लेंगे। इसी तरीके से हमें क्या करना है, पहले कपड़े के घेर को पूरा अच्छे से नीचे रख देना है और इसे अच्छे से हमें 2-2 इंच का यहाँ पर फोल्ड करना है। यानी कि आप यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट भी ले सकते हैं, लेकिन ये जहाँ पर राउंड होगा वहाँ पर राउंड शेप में जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये पट्टी साथ में रखनी है, 2 इंच पर इस तरीके से मेजरमेंट करते जाएंगे और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक पिन से हम इसे देखिए इस तरीके से पिनअप करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, पूरा जो हमारा घेरा था उसे थोड़ी थोड़ी जगहों पर इस तरीके से देखिए पिनअप लगा लगा कर इसे पहले हमने सेट कर लिया है, जिससे कि ये आगे पीछे न हो। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक जो हमने जो बीच वाली सिलाई लगाई थी वहाँ का आपको बीच का ये पार्ट लेना है, जहाँ पर अपने देखिए इस तरीके से पिन लगा कर हमने यहाँ पर इसे पिनअप कर रखा था। उस पिनअप के यहाँ से अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए स्टिचिंग किस तरीके से आपको करनी है, सबसे पहले तो आपको सुई को ऊपर की तरह उठा के इन दोनों धागों को इस तरीके से देखिए अलग अलग रख लेना है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, कुछ इस तरीके से हम इसे रखेंगे और जो सबसे फर्स्ट पिन होगी वो हम इसे यहाँ से इस तरीके से निकालना है। देखिए कुछ छोटी छोटी चूंस आ सकती है, क्योंकि एज अ ऊपर देखिए घेरा छोटा होता है, नीचे घेरा बढ़ते जाता है, तो छोटी छोटी सी चुन्नटें आए तो कोई बात नहीं, लेकिन उन चुन्नटों को आपको इस तरीके से सेट करना है कि बाहर की तरफ उसका कोई भी असर दिखाई ना दे। मीन्स आपको इस तरीके से अटैच करना है कि लगना नहीं चाहिए कि ये यहाँ पर आपने चून बनाई है या नहीं बनाई है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए हम पिन को धीरे धीरे एक एक करके निकालते जाएंगे, उसको अच्छे से जैसे है वैसे ही रखना है, आपको हिलाना नहीं है उसको, और हमें इस तरीके से देखिए उसे स्टिच करते जाना है। जहाँ नेक्स्ट पिन होगी वहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से अच्छे से रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो राउंड टर्न है, तो यहाँ पर देखिए अपने आप ही ये एक इस तरीके से फोल्डिंग आ रही है, तो इसे आपको आराम से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। नीचे वाले कपड़े को आपको फोल्ड नहीं करना है, हमने जस्ट ये ऊपर वाला ही पार्ट लिया है, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड हो रहा है, जहाँ हो रहा है वहीं करना है। ज़बरदस्ती आपको इसमें कोई चून कोई चुन्नट या कोई भी प्लेट नहीं लगानी है। देखिए इस तरीके से सिलते जाना है, एक एक पिन को निकालते जाएंगे। फिर हमने देखिए यहाँ स्ट्रेट है, हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर देखिए अपने आप ही ये इतना सा पफी हो गया है, यानी कि फूक गया है थोड़ा, तो इसे फिर से हम इस तरीके से रखेंगे तो नीचे का पार्ट स्ट्रेट हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कर लिया है और पूरे लाइन में नीचे पट्टी पर हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसका लास्ट लास्ट आउटफिट का जो लास्ट हमारा जो व्यू होता है वो देखेंगे। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस तरीके से देख ही सकते हैं, ये है हमारा लास्ट व्यू ऑफ दिस गाउन और कुर्ती। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें फ्लेयर बनकर आया है। फ्लेयर के लिए आप देख सकते हैं, ये इतना अच्छा फ्लेयर हमारा इसमें बनकर रेडी हो चुका है। ऊपर आप फ्रंट का नेक देख सकते हैं, फ्रंट नेक भी हमने बहुत ही सिंपल एंड डिजाइनर बनाया है। वो सिंपल लुकिंग जरूर है बट स्टाइलिश है। और इसी के साथ हम अब इसका बैक व्यू देखेंगे। तो ये है हमारा इस गाउन का बैक व्यू। तो आप बैक व्यू भी देख सकते हैं, हार्ट शेप का हमने इसमें नेक बनाया और ये नेक कितना ही अच्छा और डिजाइनर लग रहा है। इसका बैक से भी फ्लेयर आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने फुल फ्लेयर अम्ब्रेला कट, यहाँ पर हमने देखिए फुल फ्लेयर का हमने गाउन हमने बनाकर रेडी कर दिया है। तो देखिए ये हमारा गाउन अब फुल्ली कंप्लीट है। आप इसे अभी के अभी पहन सकते हैं और अपना एक न्यू आउटफिट नवरात्रि के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हर फेस्टिवल के लिए न्यू आउटफिट्स और न्यू डिजाइन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाजू में दी हुई बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना, जिससे कि मेरे हर ऐसे नए नए स्टाइलिश आइडियाज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी ये आइडिया कैसी लगी है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।